विरसिंहपुर के समाज सेवी गुरु प्रसाद अवधिया के द्वारा पाली नगर में भव्य संगीतमय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस मानव कल्याण कथा का आयोजन सुबह और संध्या के 3 बजे किया जा रहा है, जिससे नगर और आसपास के लगे क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालुजन उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वृंदावन धाम से पधारे प्रवक्ता श्री बांके बिहारी शास्त्री जी के मुखारविंद से यह रसपान कराया जा रहा है। कथा के दौरान प्रत्येक लीलाओं का मंचन नाश भक्ति गीत से पाली नगर पुण्य हो रहा है। मानव जीवन में पुराणों का दिव्य महत्व है, ऐसा हमने महापुरुषों से शास्त्रों में अध्ययन किया है, श्रवण किया है गुरुजनों से। कहते हैं वेदांत हमारा स्वाभिमान है, श्रेष्ठता हमारी सीता, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता। जब तक होते हृदय में शांति तब तक होते हम केवल भारत, जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तभी हम हो जाते महाभारत। जो शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, जो महापुरुषों का संदेश है, वो पुराणों के माध्यम से ही हमको प्राप्त होता है। पुराण जीवन में हमारे धर्म की व्यवस्था देते हैं, और धर्म जब व्यवस्थित होता है तो हमारा जीवन भी व्यवस्थित होता है। और जब जीवन व्यवस्थित होता है तो हम जीवन में ये हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करने योग्य है मानव जीवन में, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। और सदमार्ग की ओर अपने आने वाली पीढ़ी को या अपने आप को आत्म शांति के लिए हम प्रेरित कर पाते हैं। पुराणों का जहाँ तक संदेश है तो मानव जीवन को व्यवस्थित करने के लिए ही है। महापुरुषों ने महापुराण कथा का आयोजन पाली नगरी में विरासिनी माता के मंदिर के प्रांगण में और वार्ड क्रमांक 11 के पार्षद श्री कृष्णकांत अवधिया के आयोजकत्व में हो रहा है। इसका शुभारंभ 13 मई से शुरू हुआ है और 21 तारीख को हवन के द्वारा समाप्ति होगी और 22 तारीख को बृहद भंडारा है। अभी कुछ दिन बचे हैं कथा के श्रवण के लिए। हम सभी नगर के नगर प्रेमी भक्तजनों से अनुरोध करेंगे कि वो लोग इस शिव पुराण का श्रवण करके अपने को कृतार्थ करें। और ऐसा आयोजन धर्मनगरी में हो रहा है, विरासिनी माता मंदिर के पास में हो रहा है, और ये आयोजकत जो आयोजन करता है वो साधुवाद के पात्र हैं। हमारे जो व्यासपीठ में हमारे व्यास जी हैं वो वृंदावन से पधारे हैं। वृंदावन से बांके बिहारी जी बहुत ही प्रसिद्ध व्यास हैं, उनके मुखारविंद से जो यहाँ शिव जी की महिमा प्रवाहित हो रही है, हम चाहते हैं कि पाली नगर के सभी लोग उसका लाभ लें। और भंडारा 22 तारीख को है, उसमें भी सब लोग सम्मिलित हों। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सबका आमंत्रण है, आप सभी आमंत्रण स्वीकार करें और इस कथा को श्रवण करें और भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें।